हाय माय यूट्यूब फैमिली, लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव आप सभी को। आज हम देखेंगे आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन और आपके लिए एंजल गाइडेंस। यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए माँ। मेरी तो फैमिली के साथ उसकी करंट एनर्जीज क्या है। डेविल माय मैन सबसे पहले उछल के निकला। मेरी तो फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। वो डेविल के बाद मून और फुल मून भी आ रहा है। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। हैंग्ड मैन मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। दिख रहा है अभी? हाँ क्लियर। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज़ बताइए माँ। मैजिशियन, ये अभी कार नीचे भी गिरा था बट आ गया। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज बताइए, एक कार्ड चाहिए, लास्ट कार्ड। मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। द सन विथ द फूल, ओके। अब मैं सबसे पहली चीज़, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वो फिजिकली आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ओके। अगर वो किसी सिचुएशन में हैंग्ड है तो आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे वो सिचुएशन से निकलने की। यहाँ पे मदर इशू बहुत स्ट्रॉन्ग है, मदर इशू, फादर इशू, ओके। एक्शन की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वो आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत चीज़ें सोच भी रहे हैं। एक बार देख लेते हैं। डेविल क्यों आया माँ प्लीज़ बताइए। डेविल क्यों आया? इतने सारे नहीं, इतने नहीं, ये दो तो ले ही रही हूँ। नेक्स्ट, डेविल क्यों आया प्लीज़ बताइए। ओके। ईगो, ईगो, हैवी ईगो इशू, डोमिनेटिंग, हैवी ईगो इशू। डेविल के बाद मून आया, डेविल को मून ने क्लैरिफाई किया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, फाइव ऑफ पेंटिकल्स विथ नाइट ऑफ वॉन्स। अगर आपके पार्टनर एंड एक मिनट, एम्परर, ओके, एम्परर और नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया था और आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे थे, या तो उनका ईगो लेवल था, उनका ईगो इशू था, जिनकी वजह से मेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर, उन्होंने आपको छोड़ दिया था, तो वो अब आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। वो जो उनकी, बिकॉज अभी जो पोर्टल आने वाला है ना, 88 पोर्टल, इट्स ऑल अबाउट कटिंग द कर्मस। चाहे आपके पार्टनर चाहे कि ना चाहे, कर्मास, कार्मिक्स उनकी लाइफ से चले जाएंगे। जिनका उनका जिनका टाइम खत्म हो गया वो उनकी लाइफ से चले जाएंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। उनके कान बहुत लोग भर रहे हैं, ठीक है। उनको
बेसिकली उनके उनके ना सामने लोग बहुत स्वीट रह रहे हैं, पर उनके पीछे बहुत कुछ बुरा बोल रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, ओके। वो फैमिली अगर नहीं मान रही तो फैमिली को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो रहा है। तो अगर नहीं होगा तो वो निकल जाएंगे वो सिचुएशन से, और अगर मना पाए तो वो फैमिली के साथ मनाएंगे। बट आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अभी आ रहे हैं, छोटा मिनी रियूनियन बोल सकते हैं, मिनी रियूनियन, बट वो आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पार्टनर। मून क्यों आया? मैं मून का भी मदर बुला रही थी। मून क्यों आया प्लीज बताइए। ओके ये दिस इज मैजिकल। देखिए, मून के बाद हैंगमैन आया और मून को हैंगमैन ने क्लैरिफाई किया। सो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो ट्रैप्ड है, चाहे कुछ भी है। आप अगर वो दिखा भी रहे होंगे ना, आपके पार्टनर लाइक फीमेल फीमेल जो भी आपके पार्टनर है, अगर वो दिखा भी रहे होंगे ना कि वो बहुत खुश है, तो वो खुश नहीं है। बट वो स्लोली स्लोली मूव करने की कोशिश करे, बहुत स्लो एनर्जी, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है, बट उनको डिवाइन से गाइडेंस बहुत मिल रही है और वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको आपके साथ शादी करनी है, उनको आपको जस्टिस देना है, क्योंकि वो आपके साथ कंप्लीट महसूस करते हैं, ठीक है। चलिए अभी मैजिशियन, नहीं सन, मैजिशियन लास्ट में आता ना। सन क्यों आया? नहीं निकलेगा, सॉरी, मैजिशियन पहले आया था। मैजिशियन क्यों आया प्लीज बताइए। ऑर्डर वाइज ही जा रहे हैं। ओके, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया ना, तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मैसेज करने का। यो, देयर इज अ फीमेल एनर्जी इन योर पार्टनर्स लाइफ जो उनको बहुत बर्डन महसूस करा रही है, बहुत वेरी डोमिनेटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर पार्टनर मेल फीमेल जो भी है, आपके पार्टनर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बट एंजल्स हैं उनको काम डाउन करने के लिए, एंजल्स हैं उनको, उनके पास सब कुछ है। यहाँ पे जो क्वीन है उनके पास, देखो ये कप है, अबंडेंस है, सब कुछ है, बट वो खुश नहीं है। देख रहे हैं आपको, वो खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने आपको छोड़ा इनके कहने पे, उन्होंने आपको छोड़ा इनके कहने पे, बट अब वो आपके पास आना चाहते हैं। एक छोटा सा जेस्टर करेंगे बट आएंगे ज़रूर आपके पास, क्योंकि उनको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है। द सन क्यों आया? क्या करने वाले हैं मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर बताइए। एक मिनट, 7 ऑफ, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो वहाँ से निकल जाएंगे। अगर वो पहले आपके लिए स्टैंड नहीं लेते थे ना पूरी तरह से, वो अब आपके लिए स्टैंड लेंगे और वो एक न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ। जैसे सन के बाद यहाँ पे भी फूल आया था, वैसे ही सन को फूल ने ही क्लैरिफाई किया, वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कैफ्री होके आपके साथ जीना चाहते हैं और एक अच्छे से मतलब हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, आपको ढेर सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, वो खुद भी खुश होना चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, अगर अभी आपसे बात भी नहीं हो रही, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर वो आपसे दूर चले गए थे ना, तो अब वो वापस आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदास है, वो बहुत ज़्यादा उदास है, ठीक है। अब लास्ट कार्ड, फूल क्यों आया प्लीज़ बताइए माँ। क्या वो मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर,
अई माँ एक मिनट, यस यस यस, जो पूछने वाली थी। ओ माय गॉड ब्यूटिफुल। एक मिनट, फूल क्यों आया? और क्लैरिफिकेशन से जरूरत है नहीं, बट स्टिल निकाल लीजिए माँ वो कार्ड प्लीज। यस 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 यस, मुझे यही चाहिए था। ब्यूटिफुल। अगर आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था तो वो भी एकदम हैप्पी नहीं है? अगर वो दिखा रहे तो दिखाने दो, बट अंदर ही अंदर वो भी बहुत उदास है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। ठीक है, वो एक कदम आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं, आपको एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या रिएक्ट करते हो, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आपसे शादी करेंगे, वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, वो आपके साथ फैमिली बिताएंगे और वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं, बहुत जल्द। ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है, आप यू आर डीलिंग विथ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। डेफिनेटली आप लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो आपकी लाइफ में जो भी होगा वो सब डिवाइनली गाइडेड होगा। मैं एक सवाल और पूछ लूंगी आप लोगों के लिए। पूछ जाती ओके देखो, आपके पार्टनर्स जल्दी तो नहीं आने वाले, वेटिंग जोन में है। दे आर राइट नाउ फाइटिंग विद द एनर्जीज विच इज ट्राइंग टू स्टॉप यू। आप दोनों को जो भी जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो एनर्जीज से लड़ रहे हैं, चाहे वो उनके खुद का सेल्फ ईगो हो, उनका लोक समाज हो, उनकी सोच हो, वो हर एक चीज से वो खुद लड़ रहे हैं और वो खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके पास आ जाए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना है। चलिए अब नेक्स्ट एक्शन, प्रॉपर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। अरे अभी तक तो बोला भी नहीं और निकल गया। आना होगा तो फिर से आएगा। चलिए ओके माँ प्लीज बताइए, पिताजी प्लीज बताइए, मेरी यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? स्पिरिचुअल रियूनियन। माय गॉड, बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत लोगों का। आई एम सो हैप्पी, दिस इज अ डिवाइन रिलेशनशिप। जो मुझे महसूस हो रहा था वही है। प्लीज बताइए माँ, और कुछ कार्ड ही नहीं देना चाहते? नहीं दे दीजिए माँ। क्या होगा नेक्स्ट एक्शन में यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स का? आया ना सही पे। अगर उनका ईगो भी है ना, तो उनका ईगो बहुत जल्द मेल्ट होके वो आपको आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी अंदर ही अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया? अगर वो डिले कर देंगे तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा? वो खुद ही से लड़ाई कर रहे हैं अभी तो। मैंने बोला ना कि वो खुद के ही दुश्मन है। यस यस, सोलार प्लेक्सिस एंड बेस चक्र। तो वो अपने फाइनेंसेस का ध्यान रख रहे हैं एंड सोलार प्लेक्सिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। हार्ट चक्र एंड सोलार प्लेक्सिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप। सो उनके रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होंगे। अगर उनको कोई स्टमक इश्यू है तो वो भी सॉल्व होगा, उनको हेल्थ इश्यूज बहुत है अभी। लास्ट कार्ड, क्या मेरे यूट्यूब फैमिली के पार्टनर्स उनको मैसेज करेंगे? प्लीज बताइए मैम, प्लीज एक बार। थैंक यू मैम।
यस, बहुत लोगों को मैसेज आएगा डेफिनेटली। एट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 9-9 की एनर्जी स्ट्रांग है, 4-4 की एनर्जी स्ट्रांग है, 4-4 तो बहुत स्ट्रांग है, 2-2 की एनर्जी स्ट्रांग है। मैं बता देती हूँ, अगर आपके पार्टनर ईगो में थे, ठीक है, कहाँ गया वो कार्ड, हाँ ईगो में थे, तो वो उस पे काम करके उसमें उनमें बहुत चेंजेस आएगा, ठीक है, उसी में उनका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और ये सब होगा। और अभी फिलहाल आपको वेट करना है क्योंकि आपके पार्टनर ट्रैप्ड है, ठीक है, क्योंकि वो अपने फाइनेंसेस में काम कर रहे हैं एंड उनके चक्रस भी काफी हद तक ब्लॉक्ड है, तो जैसे उनके चक्रस खुलेंगे उनको रियलाइजेशन होगा, उनको भी बहुत पेन हो रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता कि उनको कितना पेन हो रहा है। उनका क्राउन चक्र भी बहुत जल्द खुलने वाला है और वो डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड है, डिवाइन भी उनको गाइड कर रही है, जैसे आपको गाइड कर रही है डिवाइन भी उनको गाइड कर रही है, वो आपको हेवीली मिस कर रहे, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो वो आएंगे आपकी लाइफ में डेफिनेटली और आप ही से शादी करेंगे। 2 of Cups एंड 4 of Wands, आपके पार्टनर्स आप ही से शादी करेंगे, आप ही के पास आएंगे और सब कुछ अच्छा होगा, आपको सिर्फ थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 8 दिन 9 दिन, एटीन अगस्त तक आप देखना कुछ ना कुछ होगा आपकी लाइफ में, 18 अगस्त तक उसके अंदर ही हो जाएगा, बट 8 दिन 9 दिन और 18 अगस्त, या आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज आपके पार्टनर थोड़ी स्लो एनर्जी में है ना, इसके लिए जिनके पार्टनर्स जल्दी हील्ड हो जाएंगे तो जल्दी आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। माँ मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए एंजल गाइडेंस क्या है प्लीज बताइए, मेरे यूट्यूब फैमिली के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। वाओ, बिग हैप्पी चेंजेस, बी असर्टिव, आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए, आपकी जिंदगी में खुशियां बहुत जल्द आने वाली है, आप लोगों को रेनबो दिख रहा होगा, आप लोगों को चाबी दे चुका है, मतलब एंजल्स ने आप लोगों को चाबी दे दी है, और आपको अगर आप मेडिटेशन भी करते हो आपको लाइट व्हाइट लाइट बहुत दिख रही होगी, दैट इज अ साइन कि आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। अगर आपको रेनबोज बटरफ्लाइज लाइट ये सब दिख रहा है, बर्ड्स बहुत आसपास चेक रहे, तो आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, बट इफ यू बिलीव, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और क्या बताना चाहती है एंजल्स बताइए, लास्ट कार्ड रिकवरी, अगर आपका रिश्ता बिगड़ा हुआ है तो वो रिकवर बहुत जल्दी होगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जैसे मैंने बोला ना 18 अगस्त, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप सोच रहे हो अपने पार्टनर को छोड़ने का तो प्लीज रिकंसिडर, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन कि आपको क्या क्या रेजोनेट हुआ आज मैंने जो भी बोला। दूसरा एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो प्लीज डोंट बेग, अगर आप प्यार करते हो, आई अंडरस्टैंड कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया, आपको छोड़ दिया, जो भी हुआ, ठीक है, आप लोग बिकॉज मुझे रोज डेली बहुत मैसेजेस आते हैं, मैम उन्होंने ब्लॉक कर दिया, मैम उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वॉट एवर जो भी है, आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप इतना डेस्परेसी दिखाओगे तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड प्लीज अगर आप मेरे पास आ रहे हो, मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो कीप दैट इन माइंड ना कि अगर मैं रीडिंग करूंगी तो वो फ्री में तो नहीं करूंगी ना, चार्जेस तो हो गए, एनर्जी एक्सचेंज तो हर एक चीज का होता है ना, तो इसका भी होगा, ठीक है। एनीवेज
गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. आई प्रे कि आप लोग सबको ढेर सारी खुशियाँ मिले. थैंक यू.